बॉलीवुड प्रोड्यूसर और मुंबई के बिल्डर इम्तियाज खत्री को एनसीबी ने कल यानी 14 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इम्तियाज खत्री से एनसीबी की ये तीसरी पूछताछ होगी। इससे पहले दो बार उनसे पूछताछ हो चुकी है। इम्तियाज खत्री से एनसीबी के तीखे सवाल। दूसरे राउंड की पूछताछ में इम्तियाज खत्री से उसके पर्सनल बैंक अकाउंट के डिटेल्स एनसीबी ने ली थी। साथ ही इम्तियाज खत्री के सभी कंपनी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी एनसीबी ने मांगी थी। एनसीबी की तरफ से बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के बारे में और एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर के बारे में पूछा गया। एनसीबी ने एक बड़े पंजाबी सिंगर के बारे में भी इम्तियाज से पूछताछ की। इम्तियाज से किए गए आर्यन खान पर सवाल। इम्तियाज ने साफ कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन ड्रग लेते हैं या नहीं लेते हैं मुझे जानकारी नहीं है। इम्तियाज खत्री से मुंबई के कुछ नेताओं और उनके बेटों के बारे में पूछा गया कि क्या इनका ड्रग से कोई कनेक्शन है। इम्तियाज खत्री से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में पूछा गया कि क्या कभी आर्यन को ड्रग लेते हुए देखा है। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई में क्रूज शिप पर होने वाली ड्रग्स पार्टी का फंडा फोड़ किया। इस पार्टी से कईयों को गिरफ्तार किया गया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया। आर्यन 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।